चुनाव है जो हमारे मुखालिफ पक्ष है। बाबा दुबेद राजा का परिवार हमसे नहीं सक रहा था, और ये दुबेद जो था हमारे शाना बशाना साथ में रहता था। इन्होंने करीम नाम के एक युवक को चढ़ाकर कम से कम 3 साल से लगातार उसके ऊपर हमले हो रहे थे। डायमंड पैलेस में फिल्म देखते टाइम हमारे ऊपर एक हमला हुआ, हमने उसकी वो कराई, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसकी टांगे तक तोड़ दी थी, मेडिकल वेडिकल सब लगा। उसके बाद कुल थाना सिविल लाइन में थाना कोतवाली में इसके खिलाफ कम से कम झगड़े के अभी महीना भर पहले हमारे भाई को पुलिस ने 3 फायर करे, हमने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और NCR लेकर और चलता कल। और परसों भी मैं कह काम की झगड़ा विवाद बढ़ेगा, ये घटने रहा है विवाद और कोई कार्रवाई नहीं। इसमें अभी कोतवाली थाना क्षेत्र में घटना हुई है जिसमें एक युवक को गोली मार दी गई है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया है, PM तक कार्रवाई की जा रही है। जो परिजन है उनकी जो तहरीर होगी उसके आधार पर आगे मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, प्रथम दृष्टया क्या बता रहा है परिजन, जो किस कारण जो है मारा है युवक? इनकी आपसी थोड़ी रंजिश है पहले से, इसमें रमजान के वक्त भी इनका झगड़ा हुआ था जिसके बाद इसमें NCR भी दर्ज हुई थी। और इसमें आगे क्या कार्यवाही हुई है और आज घटना के पीछे क्या मोटिव रहा कि अचानक ये घटना हो गई, इस बारे में जांच की जा रही है और आगे जो तहरीर मिलेगी उसके आधार पर। अच्छा, क्या इसमें चुनावी रंजिश भी है क्या? पुलिस को पहले भी सूचित कर चुके हैं, सभी एंगल देखे जा रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से आज की घटना क्या वजह से हो गई है अचानक, ये भी देखा जा रहा है और अभी इसमें पुलिस की कार्यवाही जारी।